दोस्तों स्वागत है आपका जीएस फॉर ऑल चैनल में। दोस्तों जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से 2020 की परीक्षाएं स्थगित की गई थीं, उससे संबंधित एक नई जानकारी आई है। वो जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा आपके एग्ज़ाम कब से होंगे और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो क्या रहेगा, 2 घंटे 3 घंटे, और एग्ज़ाम आपके ओमर सीट पर कराए जाएंगे या कैसे कराए जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको आगरा नेट से जुड़े हुए प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि दोस्तों अमर उजाला पेपर में आज के पेपर में ही जो छपा है, यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग हुई है, वाइस चांसलर महोदय ने जो मीटिंग अटेंड की है उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं वो पूरे डिसीजन अमर उजाला पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे मर्याला के, उसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से उसको भी देख पाएंगे। जैसे कि आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करने के बाद आपको जो लिंक है कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि दोस्तों इस लिंक के माध्यम से आप अमर उजाला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको ये न्यूज़ मिलेगी। इसमें लिखा है विश्वविद्यालय जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होंगी स्थगित व निरस्त मुख्य परीक्षाएं, होगी नई व्यवस्था। तो ये आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये पूरा मिलेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2019-20 की स्थगित और निरस्त मुख्य परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू कराई जाएंगी। शुक्रवार को कुलपति प्रो अशोक मित्तल की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोशिश होगी कि 1 जुलाई से ही परीक्षा शुरू हो जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं ओएमआर शीट पर आधारित होंगी। सभी पाठ्यक्रमों के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह निर्णय विश्वविद्यालय स्तर से लिया गया है। ये भी पढ़े, बीएड फर्जीवाड़ा फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की संशोधित सूची जारी, अब 249 हुई संख्या। इसके पीछे उद्देश्य है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कम समय में और सुगमता से हो जाएगा, परिणाम जारी करने में समय कम लगेगा। वही शासन के निर्देश पर परीक्षा का समय 2 घंटे रखा गया है, साथ ही सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए और केंद्रों को सैनिटाइज कराकर परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रो प्रदीप श्रीधर के मुताबिक बैठक में तय किया गया है कि पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के बीच 2 घंटे का अंतराल रखा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को असुविधा न हो और सामाजिक दूरी का पालन भी कराया जा सके। उनका कहना है कि परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने का निर्णय संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षक संघ की सहमति से लिया गया है। ऑनलाइन माध्यम से हुई परीक्षा समिति की बैठक में कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार प्रो, अजय तनेता प्रो, मनोज श्रीवास्तव प्रो, पी के सिंह डॉक्टर, रोशन लाल डॉक्टर, यशपाल सिंह डॉक्टर, प्रताप सिंह ओटा के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश भारद्वाज व महामंत्री डॉक्टर निशांत चौहान की मौजूदगी रही। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं पहले होंगी। परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं पहले कराई जाएंगी और इनका परिणाम भी पहले जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में करीब 3.90 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। विश्वविद्यालय को उठाना पड़ेगा आर्थिक नुकसान। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्थगित परीक्षाएं ओएमआर आधारित कराने पर आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जो प्रश्न पत्र पहले छप चुके थे अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वहीं विश्वविद्यालय को नए सिरे से प्रश्न पत्र भी बनवाने होंगे, इसमें शिक्षकों को फिर से लगना होगा। मुख्य परीक्षाएं 2 मार्च को शुरू हुई थी और 17 मार्च के बाद ही सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जबकि परीक्षाएं 25 अप्रैल तक चलनी थी। 2 दिन की परीक्षाएं निरस्त भी कर दी गई थी। अधिकतर प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं अभी बाकी हैं। छात्र हित में शिक्षक परीक्षा कराने के लिए तैयार। जैसे कि दोस्तों ये खबर थी, पूरी खबर में परीक्षाएं जुलाई में पहले सप्ताह में कराई जाएंगी और परीक्षाएं ओएमआर बेस्ड रखी जाएंगी, समय 2 घंटे का रखा जाएगा,
पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुकी है। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगर इनसे जुड़े हुए प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।